Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. Am I audible to you all, guys? Meri awaaz aap logon ko aa rahi hai aur aap logon ko slides bhi nazar aa rahi hain. Please do let me know as we can proceed further. Aaj ka topic bahut important hai, particularly related to political science. और ओवरऑल आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज टॉपिक. तो बी विजिलेंट इस मामले में ताकि आप इसको अच्छे से अच्छा जो है वो समझ सकें इस चीज को. ओके, सो एवरीथिंग इज ओके, दैट्स फाइन, गुड हो गया. सो आई थिंक वी शुड प्रोसीड नाउ. हम अपने टॉपिक को भी जो है वो स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा जो है वो थॉमस हॉब्स के बारे में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर, वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर जी. मैं रिकैप देता हूँ आपको, मैं सारी चीजें रिवाइज कराता हूँ, डोंट वरी. ठीक है, ओके गाइस, थॉमस हॉब्स को आज हम पढ़ेंगे और आज हम एक नई सदी में एंटर होंगे पॉलिटिकल थॉट की, फिलोसफी की, साइंस की, जो है एक नई सदी में जाएंगे. उससे पहले जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसमें हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस को हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, विच मेनली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इट इज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, हाउ टू डू गवर्नमेंट. It is the study of peace and conflict. It is the study of conflict resolution, or it also tells about the origin, the purpose, and how a state can be made better. इसके बारे में political science हमें बताती है कि state का वजूद क्या है, state कैसे वजूद में आई, individual और state का relation कैसा होना चाहिए, power क्या है, इसके बारे में political science को हम देख रहे थे. और फिर हमने देखा कि उसमें एक फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, दिस इज दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, उसके अंदर एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी भी आती है, मुस्लिम भी आती है. तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे थे और हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जो फील्ड है या पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है पॉलिटिकल साइंस में, वो क्या करती है. इट बेसिकली इंटेल्स दैट हाउ स्टेट केम इन टू बींग, वॉट इज द पर्पज ऑफ स्टेट, how state can be made better, and what is relation between individual and state aur individual ka relation kaisa hona chahiye, state wajood mein kaise aayi, uska purpose kya hai, usko mazid behtar kaise banaya ja sakta hai, ye jo hai political theory hame batati hai, in questions ke answers hame karti hai. aur humne dekha ki uske andar different approaches thi, par kuch log kuch class par inke answer de rahe the normative अप्रोच यूज करके, ऑब्जेक्टिव बन के दे रहे थे, कुछ कह रहे थे रेशनल बन के दे रहे थे, कुछ इंपिरिसिस्ट बन के दे रहे थे, और कुछ पॉजिटिविस्ट बन के इसको क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे. और हमने देखा कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स होती थी जिसको पोलिस कहा जाता था, वहां से वर्ड पॉलिटिक्स आया कि जो ग्रीक्स के अंदर लोगों के दरमियान जो अफेयर्स होते थे उसको नाम दिया गया. फिर हमने देखा कि सोक्रेटिस आया जिसने अटैक किया कि डायरेक्टली एथेनियन डेमोक्रेसी के ऊपर, उसने वर्चुअस नॉलेज, नॉलेज वर्चुअल का कॉन्सेप्ट दिया. और फिर हमने देखा कि प्लेटो को हमने डिस्कस किया कि प्लेटो उसी अपने उस्ताद के कॉन्सेप्ट को लेके चला था, वर्चुअस नॉलेज, नॉलेज इज वर्चू, जिसने जस्टिस को देने की कोशिश की अपने बुक रिपब्लिक में, और उसमें उसने डिफरेंट थेरीज दी कि जस्टिस कैसे दिया जा सकता है. उसने कहा कि गिव एवरीवन इज इक्वल टू इज कॉल्ड जस्टिस, और उसके लिए एक आइडियल स्टेट बनाना होगी जिसको फिलोसफर किंग जो है वो रन करेगा. और फिर हमने देखा कि जो है अरिस्टोटल आया जिसने अपने उस्ताद यानी प्लेटो को जो है वो तनकीद किया, और उसकी तनकीद का जो पहला अटैक था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था, वो ये था कि भाई वो चीजें इंसानों से लगाना ही फिजूल है जो पूरी ना हो पाए. सो ही वॉज एम्पिरिसिस्ट, देयरफॉर ही यूज्ड एम्पिरिकल डेटा. उसने कहा कि जो चीज रियलिटी में है, जो चीज आपको सामने नजर आ रही है, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे आप अपनी चीजों को देखेंगे. और वहां पे हमने देखा कि उसने किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को रिवोल्यूशनलाइज किया साइंटिफिक मेथड यूज करके, और हमने देखा कि किस तरीके से उसने जो है वो कंपैरेटिव मेथड यूज किया और स्टेट्स को कंपेयर करके
उसने अपनी एक स्टेट दी जिसको द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट कहा जाता है, जैसे पॉलिटी कहा जाता है, जिसको हमने थॉरली मैंने बताया कि वो किस तरीके से आजकल रिलायबल है, आजकल प्रैक्टिकल है, और मैंने उस पर आपको सिंध में क्यों भुट्टो जिंदा है उस पर थ्योराइज करके भी आपको बताया था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यूरोप वॉज ट्रांसफॉर्म, एथेनियन सिटी स्टेट से एथेंस की जब सिविलाइजेशन अरूज पे थी, तो वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट आता है और जीसस क्राइस्ट ने जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना वो दिया, क्या कहते हैं, एक अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस दी, क्रिश्चियनिटी को फैलाया, और बाद में हमने देखा कि रोमन एम्पायर बनी क्रिश्चियनिटी को इम्ब्रेस करके, और उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन के ऊपर मजहब और सियासत को मिला के पेश करना शुरू किया, जिसकी वजह से उस एज को कहा जाता है डार्क एज, जिसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ उन डार्क एजेस और मेडिवल एज से, और उसके तीन चार फैक्टर मैंने बताया कि गन पाउडर कैसे, प्रिंटिंग प्रेस का, कंपस का रोल क्या था उसके अंदर। और फिर हमने देखा किस तरीके से यूरोप जो रेनेसां के अंदर चला गया, और रेनेसां का मैंने बताया कि आपको कि वो एक नया एज था, एक न्यू बॉर्न था, कि सिटी जो ग्रीक्स नॉलेज थी उसको दोबारा रीबॉर्न किया गया, और वहां पे जो है हमें रीजन मिलता है, ह्यूमनिज्म मिलता है, इंडिविजुअलिज्म मिलता है, और नए नए साइंटिफिक थॉट है उसके हमें आइडियाज मिलते हैं, और उसी से ही इन्फ्लुएंस होके हमने जो है अपना थर्ड फिलोसफर पढ़ा था निकोलो मैकेवली, जो कि इटली में था, और इटली के बैकग्राउंड को हमने देखा क्या था उस टाइम पे, अनार्की थी वहां पे, वायलेंस था वहां पे, तो वहां पे ही बेसिकली वांटेड टू यूनिफाई इटली, और उसने कहा कि इटली को यूनिफाई करने के लिए ही यूज्ड हिज ओन मेथड, इसने अपना बुक लिखा थी प्रिंस, और उसने कहा कि एक प्रिंस जरूरी है जो कि इटली को यूनिफाई कर सकता है, और प्रिंस को इसने कुछ सजेशंस दी थी, उस सजेशंस को दी प्रिंस में हमने बहुत ही थॉरली डिस्कस किया था कि फॉर्चूना कैसे उसके अंदर होनी चाहिए, और बाद में हमने उसके अंदर देखा कि कन्वेंशनल मॉरालिटी का रोल क्या था उसके अंदर, और ये सारी चीजें 5 से 6 जो एडवाइसेस थी उसको हमने देखा था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि रेनेसां के अंदर जब जो है निकोलो मैकेवली आया है, तो उसके बाद जो है यानी 15th-16th century के अंदर हमें नजर आता है कि यूरोप जो है उसमें रेनेसां आ चुका था, एक नए आइडियाज जन्म ले रहे थे यूरोप में, और साथ ही साथ यूरोप की कंडीशन भी थोड़ी सी चेंज हो रही थी। तो आज हम रेनेसां तक किया था परसों, आज हम रेनेसां से थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि यूरोप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पॉलिटिकल थॉट के जो फिलॉसफी थी वो कहाँ तक पहुंची थी, और उसमें जो हम आगे अपना फिलॉसफर पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स, उसका रोल क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो गाइज यहाँ तक अगर आपकी रिकेप वाली चीजें ठीक हो गई हैं, आपके माइंड में चीजें क्लैरिटी आ गई है, तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं और यहीं से ही अपनी डिस्कशन को जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो थॉमस हॉब्स 1588 और 1679 तक जो है वो हमें इसका एज मिलता है, और ये एज याद रखिएगा, ये एज जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यूरोप की हिस्ट्री के अंदर, देखते हैं कैसे। तो इसके हम लाइफ इन वर्क्स को देखेंगे क्या थे आज, और हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि जो सिविल वॉर थी इंग्लैंड की उसका रोल क्या था। मैंने बताया था कि फिलॉसफी आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप उस फिलॉसफर का कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिस का कॉन्टेक्स्ट था, ही वॉज अगेंस्ट जो वहां के इलीट थे उसके खिलाफ था, प्लेटो की भी सेम सिचुएशन थी, और जो अरिस्टोटल था उसका बैकग्राउंड भी वही था प्लेटो वाला। और फिर हमने मैकेवली के अंदर भी देखा कि जो इटली के अंदर सिचुएशन थी उसने उसकी फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया, तो जो इसकी फिलॉसफी है उसको भी इंग्लैंड की सिविल वार ही इन्फ्लुएंस करेगी। उसके मेथड को देखेंगे, बहुत ही यूनिक मेथड है इसका, इंटरेस्टिंग मेथड है, उसको देखेंगे ही आप इसके अंदर जो है अरिस्टोटल और जो है मैकेवली को साथ साथ देखेंगे इसके मेथड के अंदर। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर को देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्टलिस्ट इसको कहा जाता है। इसके बाद जो है नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है इसका उसको देखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसका उसको डिस्कस करेंगे, और लेवियथन को देखेंगे, फ्लूड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और लास्टली जो है हम उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रेजेंट रेलेवेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को टच ना किया गया हो। तो
ये तीनों फिलासफर जो आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, हॉफ, लॉक, रूसो, ये तो फर्ज है आपके लिए इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो जितना इनको अच्छा समझेंगे, इतनी पॉलिटिकल साइंस अच्छी समझ जाएगी, अप्रोच बेहतर बनेगी और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर इन तीन फिलासफर्स को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ लें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आपकी चीजें क्लियर हैं। तो अभी चलते हैं, जरा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को मैं बताता हूँ, इस तरीके से आपके चलो यूरोप की हिस्ट्री रिफाइन हो जाएगी। ओके, तो हम क्या कह रहे थे, हम रेनेसां तक पहुंचे थे, ठीक है। अभी हम रेनेसां से एक स्टेप आगे जाएंगे यूरोप से। तो यूरोप फ्रॉम रेनेसां टू इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हम देखेंगे कि यूरोप कैसे जो है वो रेनेसां से इनलाइटनमेंट की तरफ जाता है। और पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूरोप इनलाइट रेनेसां तक पहुंचा था। ऑलराइट, सो फ्रॉम मेडिवल एजेस टू रेनेसां कैथोलिक चर्च होल्ड इट्स अथॉरिटी, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो चर्च था, कैथोलिक चर्च था, वही सारी बातें मानता था, तो उनकी होती थी। तो कैथोलिक चर्च फोर्स्ड इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड स्टेट, यानी पॉलिटिक्स और स्टेट को मिला के चलता, डिवाइन राइट थ्योरी, टू सोर्ड थ्योरी, मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स विद द रिलीजन, ये उनके करेक्टरिस्टिक्स थे जो कैथोलिक्स थे उस टाइम पे मिडिविलेजेस के अंदर। वो क्या करते थे, बिलीव दैट, जो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी पॉलिटिक्स के बारे में, वो कहते थे कि जो बाइबल थी वो सिर्फ पोप्स पढ़ सकते हैं, आम बंदा नहीं पढ़ सकता। दे बिलीव डिवाइन राइट थ्योरी के भाई इनको अल्लाह ने पावर दे दिए हैं, वो जैसा करे कर सकता है जो इम्परर है। टू साइड थ्योरी थी, उसने कहा कि भाई किंग और जो पोप है उसके पावर पैरेलल चलेंगे दोनों के, और मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स विद द रिलीजन, वो दोनों को मिला के चलते थे साथ में। तो ये मेडिवल एजेस या डार्क एजेस के अंदर पड़ी कैथोलिक चर्च किस तरीके से पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है उन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। तो बट आफ्टर रेनेसां ड्यू टू एडवोकेसी ऑफ रीजन, सेक्युलरिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स अथॉरिटी। पिछली क्लास में मैंने बताया कि जैसे जो है रेनेसां आना शुरू हुआ तो लोगों में रीजन आया, रीजन की वजह से उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू किए कैथोलिक्स जो डोगमास थे उनको, जिसकी वजह से स्लोली जो कैथोलिक चर्च था उसकी अथॉरिटी क्या होना गई, फेड अवे होना शुरू हो गई, वेनिश अवे होना शुरू हो गई, विदर अवे होना शुरू हो गई। गॉट इट, इस तरीके से ये यूरोप के अंदर जो थी वो पॉलिटिकल थॉट जो है वो चल रही थी। यस, बिल्कुल बिल्कुल अजीम, ठीक कह रहे हैं। तो दे वर वेरी रेडिकल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी जो चीज है, इसको देखें कि जो हायरार्की थी उस टाइम पे रोमन एम्पायर के अंदर जो हमने पढ़ी वो क्या थी, यानी मेडिवल जो डार्क एजेस में रोमन एम्पायर कैसे चलती थी। टॉप पे एम्परर होता था, ठीक है, एम्पायर होती थी उसका एम्परर होता था, टॉप पे होता था, सारे पावर उसके पास होते थे। बट डू रिमेम्बर, वो कैथोलिक के सामने रिस्पॉन्सिबल होता था, चर्च के सामने, चर्च के खिलाफ नहीं जा सकता था वो, बल्कि उनका रिलीजन ही वो कैथोलिक ही था जो उनका वो था। तो देन वेरियस किंगडम या किंग्स या मोनार्कीज उसके अंडर होती थी, एक पूरी अंपायर थी रोमन, पूरा यूरोप जो था उसकी छोटी छोटी किंगडम्स थी, फ्रांस था, ब्रिटेन था, स्पेनिश थे, ये सारे जो आजकल आपको स्टेट नजर आ रहे हैं ये मोनार्कीज होती थी, किंग्स होते थे और ये किंग इसके अंडर होते थे, ठीक है। तो ये टॉप पे होता था और इन्हीं जो है वेरियस किंगडम्स के अंदर वेरियस फ्यूडल स्टेट्स होती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। तो किंग जो है वो अपनी जमीनें जो है वो दे देते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को, नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स संभालते थे, और उन फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे जो थे वो वेरियस सिटीज होते थे जिनको वो फ्यूडल लॉर्ड्स संभालते थे, वो जमीनें अपनी दे देते थे उन लोगों को। तो ये हायरार्की ये थी, यानी कि बिल्कुल लो पे ये फ्यूडल स्टेट्स के अंदर जो थी वो जमीनें होती थी, फीफ्स जिनको कहा जाता था, और फिर जो है वो फ्यूडल स्टेट्स होती थी, फिर किंगडम्स होते थे, और फिर एम्पायर होता था। तो ये हायरार्की होती थी रोमन एम्पायर के अंदर। हम देखेंगे हायरार्की कैसे टूटेगी, अभी इसका रीजन क्या था। तो यहाँ तक ये यूरोप की सिचुएशन। अभी जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो अथॉरिटी थी रोमन एम्पायर की वो टूटी। हमने देखा कि जिस तरीके से रेनेसां आया तो उसकी अथॉरिटी भी टूट गई, वो डिफरेंट किंगडम्स अपने अपने हिसाब से चलना शुरू हो गई। तो वहां पे जैसे ही रेनेसां आया तो रेनेसां के बाद एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिस मूवमेंट को कहते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट। और ये मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये मूवमेंट एक सीड क्रिएट करेगी फ्यूचर यूरोप के लिए। तो क्या था बेसिकली रेफॉर्मेशन मूवमेंट, रेनेसां के बाद जो स्टार्ट होती है, जहां पे कैथोलिक चर्च के ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए थे,
So a strong voice came against church authority from an other faction who were called the Protestants. जैसे ही रेनेसां आया, रेनेसां के बाद क्या हुआ कि रेनेसां के बाद एक जो उनके डॉगमास थे उनको चैलेंज किया जाना शुरू हुआ. जैसे ही वो चैलेंज हुए तो उस चैलेंज के बाद क्या हुआ, एक नए फिरके ने जन्म लेना शुरू किया यूरोप के, और उस फिरके को प्रोटेस्टेंट्स कहा गया. प्रोटेस्टेंट यानी दे बेसिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कैथोलिक द अथॉरिटी ऑफ चर्च. एंड प्रोटेस्टेंट्स वर वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर आइडियोलॉजी, ऑल्दो दे वर क्रिश्चियंस बट दे साइडेड फ्रॉम कैथोलिक्स owing to their own personal interpretation of the Christianity. So they were Christians but opposed Catholic interpretation and favored. ye halanki Christians the but Catholics ke mukhalif the, inki apni ideologies thi. kya thi? secularism, they believe in secularism, individualism, individual freedom pe believe rakhte the, undermining the authority of church aur ye church ki authority ko khatam karne pe believe rakhte the. तो आपको पता चल रहा है ना कि किस तरीके से रेनेसां के इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर नजर आ रही हैं, इम्पैक्ट्स नजर आ रही हैं कि यूरोप के लोग अभी खुद चाह रहे हैं कि भाई रिलीजन को साइड पे कर दें. ऑल्दो ये आने वाली यानी तकरीबन 11 से 12 सदियां 1200 साल ये लोग उसी चर्च की अथॉरिटी के अंदर रहे, बट रेनेसां के बाद उनके दिमाग जब खुले, रीजन उनके पास आना शुरू हुआ, तो खुद उनको जो है वो चैलेंज करना शुरू हो गए. तो रेफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर. तो मार्टिन लूथर सीनियर था, उसने इसको शुरू की थी, और जॉन कैल्विन था, इन दोनों ने रेफॉर्मेशन मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट किया. सो मेनी यूरोपियन किंगडम एम्ब्रेस्ड हिज आइडियाज. ये जो आइडियाज थे बड़े अट्रैक्टिव थे, लोग पहले ही जले हुए थे कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से. इनकी 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 फिलोसफी, इनके आइडियाज बड़े एक प्रैक्टिकल और एक अपीलिंग थे. तो लिहाजा लोगों ने यूरोप के अंदर, पूरी यूरोप के अंदर जो है लोगों ने उनके आइडियाज को एम्ब्रेस करना शुरू किया. और जैसे उनको एम्ब्रेस करना शुरू किया तो नुकसान सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च को हुआ, और कैथोलिक चर्च के अंदर जो रोमन अम्पायर थी उसको ज्यादा नुकसान होना शुरू हुआ. क्यों? क्योंकि रोमन अम्पायर की जो बुनियाद थी, जो उनके फंडामेंटल्स थे, वो तो कैथोलिक चर्च पे बैठे हुए थे. और कैथोलिक चर्च जो था, यस बिल्कुल नहीं राबिया, ये जो आई हैव अ ड्रीम जो लूथर, ये जूनियर है, मार्टिन लूथर जूनियर, जो कि अमेरिका के अंदर ब्लैक की मूवमेंट के लिए आया था. तो ये जो मार्टिन लूथर है, दिस इज अ सीनियर, जो कि 16 सेंचुरी के अंदर आया था. ठीक है, ओके. सो जो यूरोपियंस थे ज्यादा, जो किंगडम्स थे, वो उनको एम्ब्रेस करना शुरू किया. तो जैसे ही उनको एम्ब्रेस करना शुरू किया, तो द रीजन वाज क्या हुआ कि जो रोमन अम्पायर थी, वो रोमन अम्पायर आहिस्ते आहिस्ते क्या होना शुरू हुई, वो शेक होना शुरू हुई, और उसको नुकसान आना शुरू हुआ. क्योंकि अम्पायर जो एम्परर था उसकी अथॉरिटी कम पड़ना शुरू हो गई, और जो किंगडम्स थी, जो मोनार्कीज थी उसके अंदर, वो ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो गए. गॉट इट? तो ये वहां पे सिचुएशन चल रही थी यूरोप के अंदर, ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही थी इसके पीछे. फिर क्या होता है, देन व्हाट हैपेंड, कि रोमन एम्पायर स्टार्टेड क्रम्बलिंग एंड किंगडम्स बिकेम सॉवरन एंड किंग्स बिकेम पावरफुल. तो वो जो मैंने पीछे आपको हायरार्की बताई, एक टॉप एम्परर होता था, वो क्या होना हुआ शुरू हो गया कि जैसे ही प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट चलना शुरू हुई, जो रेफॉर्मेशन मूवमेंट थी, तो जनाब उसको नुकसान होना शुरू हो गया. किंगडम्स जो थी वो पावरफुल होना शुरू हो गई, वो बगावत करना शुरू हो गई रोमन एम्पायर के खिलाफ. हर किंग चाहता था मेरे पास ज्यादा पावर हो. कुछ किंग कैथोलिक थे, कुछ किंग जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स बनना शुरू हो गए, उनकी अवाम भी प्रोटेस्टेंट्स बनना शुरू हो गई. देन सम किंगडम्स फॉलोड कैथोलिक आइडियाज, देयर इज सम प्रोटेस्टेंट आइडियाज. तो कुछ किंगडम्स जो थी यूरोप के अंदर, उसी विद इन रोमन एम्पायर, वो प्रोटेस्टेंट्स बन गई, कुछ कैथोलिक्स बन गई. ठीक है, इनके अंदर डिवीजन आ गई. और इसी के अंदर ही जो फायदा उठाया सबसे ज्यादा, वो उठाया मिडिल क्लास ने. किसने? मिडिल क्लास ने. और मिडिल क्लास कौन सा था? मिडिल क्लास वो था जो फ्यूडल्स के भी नीचे काम कर रहा था. यानी टॉप पे एम्परर था, किंग था, फ्यूडल था, और उसके नीचे मिडिल क्लास यानी बिजनेसमैन, मिडिल क्लास मतलब था बिजनेसमैन, वो काम कर रहे थे, वो फ्यूडल्स के भी अंडर होते थे. जैसे ही मिडिल क्लास ने देखा कि भाई रोमन एम्पायर तो अभी जो है वो क्रिमलिंग हो रही है, हालात बड़े खराब हो रहे हैं, इन्होंने सोचा कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम किसी एक की साइड ले लें और हम अपने इंटरेस्ट को मेंटेन कर लें. क्योंकि अगर ये हायरार्की बरकरार रहती तो सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास को हो रहा था. क्यों? क्योंकि पहला टैक्स मिडिल क्लास देता था फ्यूडल को, फिर देता था किंग को, और फिर जाता था एम्परर को.
तो इनकी तो वो कहते हैं ना हालात ही टाइट हुए हुए थे। इन्होंने देखा कि भाई जैसे ही प्रोटेस्टेंट्स की मूवमेंट चल रही है, जो रोमन एम्पायर है वो टूटने के ऊपर है और उसके नीचे जो किंगडम्स है उन्होंने बगावत शुरू कर दी है, तो मिडिल क्लास आ गया एज चैलेंज टू किंगडम्स हु वांटेड मोर पावर्स इन पार्लियामेंट। इन्होंने जो है वो किंगडम्स को भी चैलेंज करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम चैलेंज जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे। किंगडम्स को कहा, इन्होंने मोनार्क्स को कहा, आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी, हम आपको ऐसे नहीं बनने देंगे, क्योंकि दे आर दी रेजिस्टेंस, इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट की उन किंगडम्स के खिलाफ। क्योंकि याद रखिएगा, जब वो अंपायर टूट रही थी तो मोर पावरफुल जो तबका था वो किंग था, फ्यूडल जो था वो ऑलरेडी अंडर होता था किंग के, और किंग था एम्परर को रिस्पॉन्सिबल। तो किंग जैसे ही एम्परर खत्म होना शुरू हुआ तो किंग पावरफुल हुआ, क्योंकि फ्यूडल तो ऑलरेडी उसके अंडर था और मिडिल क्लास वाले तो उससे भी नीचे थे। तो इसलिए किंग बड़ी अच्छी पोजीशन में था कि अगर अंपायर टूटती है तो डिफरेंट जो मोनार्क्स हैं, किंग्स हैं, वो पावरफुल बन जाएं। तो ये बड़े सुनहरी चांसेस थे उस टाइम। तो इन दिस प्रोसेस यूरोप एक्सपीरियंस्ड अ न्यू इरा इन 17th century, जिसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट। 16th century में रेफॉर्मेशन मूवमेंट आई, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रोटेस्टेंट्स ये काम कर रहे थे, उसके इम्प्लिकेशंस मैंने बताई, किंग पावरफुल हो रहे थे और जो एम्परर थी वो रोमन एम्पायर थी वो टूट रही थी, और इसी के अंदर ही यूरोप एक नई फेज में जाता है और उस फेज को कहते हैं 7th century इनलाइटनमेंट। और इनलाइटनमेंट को दूसरा नेम द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, साइंटिफिक इरा भी इसको कहा जाता है, इनलाइटनमेंट 17th century के अंदर। तो हम यूरोप को 17th century में लेके जो है वो आ गए। तो 17th century तक आई होप आपकी चीजें क्लियर होंगी कि 17th century तक जो है, यस 17th and 16th, ठीक है, ये जो है यहां तक आपकी चीजें क्लियर हैं, आपके माइंड में एक स्केच बन गया है कि यूरोप में क्या हो रहा था। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, गुड। तो आपको क्लैरिटी आ गई कि यूरोप किस तरीके से डेवलप कर रहा है, गॉट इट, कि यूरोप में क्या क्या चीजें हो रही हैं। वेरी गुड, शाबाश, दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल गाइस, वेरी गुड, शाबाश, आप बड़े शानदार लोग हैं यार। ओके, तो गॉट इट, थ्री रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया थ्री का मतलब क्या है। फैजान आप कह रहे हैं, ख्याल में थर्ड आप वो कह रहे हैं, मिडिल क्लासेस केम फॉरवर्ड एज चैलेंज टू किंगडम्स हु वांटेड मोर पावर्स इन पार्लियामेंट। जो मिडिल क्लास थे वो किंग के पास है ना, वो ज्यादा पावर चाहते थे, वो चाहते थे कि वो ज्यादा पावर्स आए। अगर मोनार्क्स बन भी गए थे जो पावरफुल हो रहे थे, तो ये किंग्स के पास है मिडिल क्लास के, उनको पार्लियामेंट में ज्यादा पावर दे दें, हम रहेंगे मोनार्क्स के साथ ही बट आप हमें पावर दे दें। फैजान इसको मैं बड़ी डिटेल से आगे डिस्कस करता हूँ, इसी को समझेंगे तो आपको हमें सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हैं कि यूरोप को हमने देखा कि कैसे यूरोप ग्रीक सिटी स्टेट्स में जाता है, फिर डार्क एजेस आते हैं, फिर जो है मेडिवल एजेस आते हैं, फिर रेनेसा आता है, फिर रेफॉर्मेशन मूवमेंट चलती है, और रेफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद हम इनलाइटनमेंट के अंदर आ गए 17th century एज ऑफ रीजन के अंदर। तो यहीं पर जो है वो हमारे थॉमस हॉब्स साहब की पैदाइश होती है और वो अपनी फिलासफी देते हैं। इसके लाइफ एंड वर्क्स को अगर हम देखें थॉमस हॉब्स को, तो हमें पता चलता है कि ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ये पढ़ा उसने। इसके स्पेशल रिलेशंस थे रॉयल फैमिली के साथ, डू रिमेंबर रॉयल फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है, किंग के साथ अच्छे रिलेशन है, जिसकी पूरी फिलोसफी आपको प्रो किंग मिलेगी, डू रिमेंबर, उसको माइंड में रखना है पॉइंट को, तभी कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही वाज ट्यूटर ऑफ कैवेंडिश फैमिली, कैवेंडिश फैमिली उस टाइम पे जो है वो रूल कर रही थी बर्तानिया को, किंग जो था, तो ये उसका एक पर्सनल ट्यूटर के तौर पे काम करता था। सो हेंस सपोर्टेड मोनार्की बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टैक्ट विद द रॉयल्स, गॉट इट, तो उनको ये सपोर्ट करता था, इसके फिलॉसफी में भी आपको सपोर्ट नजर आएगी। हुआ क्या कि इसके अंदर जो है इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई 1642 to 1651, सिविल वॉर स्टार्ट हुई इंग्लैंड में, और वो क्या थी उसको भी मैं आगे बताता हूँ, फिर समझ आएगा हॉब्स आपको। तो वायलेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की एंड द पार्लियामेंट, यानी मिडिल क्लास, ठीक है, इनके दरमियान झगड़े चल गए कि किंग चाहता था कि पावरफुल मैं बनूं, एब्सोल्यूट बनूं, और मिडिल क्लास उसको सबसे बड़ी रुकावट थे उस टाइम पे। मिडिल क्लास के तबके कह रहे थे कि नहीं, आपको जो है वो हम पावरफुल नहीं बनने देंगे, हमें भी कुछ पावर चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वहां पे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया, सिविल वॉर इंग्लैंड में शुरू हो गई। तो ये वहां पे अपनी फिलॉसफी देगा। मैकेवली के दौर में भी सिविल वॉर थी,
इसके दौर में भी सिविल वॉर है, ठीक है, ये पॉइंट माइंड में रखने हैं। तो अनार्की इन इंग्लैंड, क्योंकि चार्ल्स वन जो था उसको बीहेडेड कर दिया गया एंड मोनार्की वाज एबॉलिश्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। तो जो मिडिल क्लास थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए, जो चार्ल्स वन था उसका तो गला काट दिया गया उस सिविल वॉर के अंदर, और जो मोनार्की थी उसको इस एबॉलिश करने की कोशिशें हो रही थी वो खत्म हो चुकी थी वहां पे। और ये साहब जो हैं अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से एक नई रूह फूकेंगे आके उस दम तोड़ती मोनार्की के ऊपर। तो इसकी फिलॉसफी आपको प्योर रॉयलिज्म नजर आएगी, इसमें आपको किंग को पावरफुल होने की बात करेगा क्योंकि इसके पर्सनल ताल्लुकात थे, बट ये उसको इस तरीके से लॉलीपॉप के अंदर जो है एक रैपर के अंदर बड़ा तरीके से आपको प्रोवाइड करके देगा फिलॉसफी की आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे वाकई यार मोनार्की तो बिल्कुल ठीक है, बट इन एक्चुअल सेंस ही वाज सपोर्टिंग दैट मोनार्की जो कि उस टाइम पे वेंटिलेटर पे सांस ले रही थी इंग्लैंड के अंदर, तो ये उसको सपोर्ट करेगा, ये उसके लाइफ एंड वर्क्स हैं। सो जो हॉब्स था, ठीक है, थॉमस हॉब्स लेफ्ट इंग्लैंड वेंट टू फ्रांस, भाग गया वहां से क्योंकि वो प्रो रॉयल था, मिडिल क्लास ज्यादा हो गए तो इसको खतरा लगा कहीं मुझे ही ना मार दें। तो ही वॉज फियरफुल बींग द सपोर्टर ऑफ क्लोजनेस विद द रॉयल, डर की वजह से भाग गया। After that, he wrote his famous book, Leviathan. 1651 के अंदर इसने मशहूर अपनी बुक लिखी Leviathan. तो इसकी पूरी फिलॉसफी इसी बुक के अंदर है Leviathan के अंदर, जैसे उसकी मोनार्की के अंदर थी, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के अंदर थी, और जो प्लेटो था उसकी रिपब्लिक के अंदर थी, इसी तरीके से थॉमस हॉब्स की जो फिलॉसफी है वो उसकी मशहूर बुक Leviathan के अंदर 1651 में, MCQs भी अक्सर आता है, ठीक है। ये इसके जो है लाइफ और इसके वक्त के बारे में आपको चीजें पता चली। इसके मेथड को जरा देखते हैं कि जब ये अपनी फिलॉसफी को देने की कोशिश कर रहा है तो ये मेथड कौन सा यूज कर रहा है। देखा है कि हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, हमने जो है वो सोक्रेटिस का पढ़ा नॉर्मेटिव मेथड था, हमने प्लेटो का पढ़ा नॉर्मेटिव मेथड था, और हमने अरिस्टोटल का पढ़ा वो इंपीरिसिस्ट था, और हमने मैकियावेली को देखा वो भी इंपीरिसिस्ट था, रियलिस्ट था। तो ये भी आपको मोरल लेस उन्हीं के तरीके से ही नजर आए। तो इसके दौर में इनलाइटनमेंट का पीरियड था, मैंने बताया ना इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट क्या थी, बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट हुई 16th सेंचुरी से लेकर जो 17th सेंचुरी तक रही यूरोप के अंदर, उसमें नए आइडियाज जनरेट हुए जो कि रेनेसांस से बड़ी मुतासर थी। तो इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर भी देखा जाता है। इस दौर के अंदर पॉलिटिक्स की जो स्टडी की गई वो साइंटिफिक बेसिस पे की गई, उससे पहले आपको चीजें जो नजर आती हैं वो नॉर्मेटिव बेसिस पे होती थी। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे इस मूवमेंट के पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो क्या थे इनलाइटनमेंट के अंदर, ऑल्दो इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर न्यूटन आपको मिलता है जिसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, फिजिक्स में अपने रूल्स चल रहे थे, इसमें आपको केमिस्ट्री के अपने रूल्स चल रहे थे, अपना लोग वहां पे परफॉर्म कर रहे थे। इसके दौर के अंदर इकोनॉमिक्स के जो है एडम स्मिथ जैसे लोग थे वो काम कर रहे थे। इसमें लिटरेचर में आपको वोल्टेयर नजर आता है, वोल्टेयर अपना कॉन्सेप्ट दे रहा था वहां पे, और पॉलिटिकल थॉट में चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी जो है वो हॉब्स से स्टार्ट होती है इनलाइटनमेंट के अंदर, जिसका फंडामेंटल क्वेश्चन क्या थे उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे वो ये थे कि भाई हाउ डिड स्टेट ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट है ठीक है, ओरिजिनेटेड नहीं, हाउ डिड स्टेट ओरिजिनेट, स्टेट वजूद में कैसे आई, एक क्वेश्चन ये चल रहा था इस इनलाइटनमेंट में। Why do we need state? हमें स्टेट की जरूरत क्यों है, दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा था उस टाइम पे। Why one should obey state and to what extent? किसी को स्टेट को ओबे क्यों करना चाहिए और वो कब तक स्टेट को ओबे कर सकता है, ये तीन मेन क्वेश्चन थे जो उस दौर में चल रहे थे, और इन तीन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेगा कौन, थॉमस हॉब्स। ऑल्दो इन तीन की क्वेश्चन के आंसर मैकियावेली ने भी किए, अरिस्टोटल ने भी किए, प्लेटो ने भी किए, बट थॉमस हॉब्स इनलाइटनमेंट के अंदर उसको थोड़ा साइंटिफिक टच देगा, आपको इसकी फिलॉसफी में साइंस नजर आएगी। गॉट इट, ये तीन क्वेश्चन थे जो उस टाइम पे पूछे जा रहे। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो हॉब्स बिलीव्ड कि पॉलिटिक्स शुड बी स्टडीज लाइक नेचुरल साइंसेस, इसने कहा कि भाई हमें पॉलिटिक्स को भी नेचुरल साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा वरना हम पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकते। और डू रिमेम्बर मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वो अप्रोच सोशल साइंस में जिसमें
जो है जी क्वेश्चन जो थे वो तीन थे, मारुख आई थिंक तीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कौन से थे? स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट की जरूरत क्यों है हमें, और स्टेट को हम कब तक फॉलो कर सकते हैं, कब तक उसे ओबे करना चाहिए, ठीक है, क्यों ओबे करें और कब तक ओबे करना चाहिए, ये तीन मेन क्वेश्चन। और इन्हीं तीन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो हॉब्स था वो कह रहा था कि भाई देखो, ठीक है, जो हॉब्स था वो कह रहा था कि भाई देखो एक्चुअली बात यह है कि हम इनको एवे समझ नहीं सकते जैसे पीछे समझे गए हैं। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, वो कह रहा था कि हम समझ सकते हैं इसको नेचुरल साइंस की तरह पढ़ के। और मैंने बताया था आपको कि जब सोशल साइंसेस को नेचुरल साइंस की तरह पढ़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट जो साइंटिफिक अप्रोच होती है। इन ऑर्डर टू गेन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेट, उसने कहा पॉजिटिविस्ट मेथड हमें यूज करना होगा, साइंटिफिक मेथड यूज करना होगा, रैशनल बन के हमने सोचना होगा, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी और हमें क्यों स्टेट को फॉलो करना चाहिए, कहां तक करना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं समझेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकते हम। तो ही वांटेड टू डिस्कवर द लॉज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड इट्स ऑब्लिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, ये पॉइंट है। वो जो तीन क्वेश्चन है उन तीन क्वेश्चंस को इसने कहा हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम नेचुरल लॉज को डिस्कवर नहीं कर लें। हमें नेचुरल लॉज को डिस्कवर करना होगा। नेचुरल लॉज को हमने डिस्कवर कर लिया, हमें इन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो नेचुरल लॉज को हमने डिस्कवर करना है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमने साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करनी होगी और वो करेगा। सो ही अटेम्प्टेड टू डिफाइन लॉज इन प्रेजेंट थ्योरी लाइक गैलीलियो एंड न्यूटन। जैसे गैलीलियो और न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, इसने भी पॉलिटिक्स में कोई ऐसी थ्योरी देने की बात की कि जिससे हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। जैसे ग्रेविटी की थ्योरी दे गया न्यूटन, इसने कहा कि मैं भी कोई ऐसी थ्योरी देना चाहता हूं जिससे हम पॉलिटिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो जो तीन क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करें। और उसने कहा को उसको तब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हम नेचुरल लॉज को नहीं समझेंगे। और इसने कहा कि न्यूटन ने नेचुरल लॉज को समझा था तभी ये थ्योरी दे गया, हम भी नेचुरल लॉज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये थ्योरी नहीं दे सकते। तो ही स्टार्टिंग इट्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द सिविल वॉर, और ये उस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता है सिविल वॉर से जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही थी। डू रिमेम्बर कहाँ हो रही थी? इंग्लैंड के अंदर हो रही थी। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हैं और हमारा 40 मिनट्स की मीटिंग भी एंड हो रही है, हम यहाँ से आगे लेके चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि वो अभी किन क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा है, क्या मेथड यूज करने की कोशिश कर रहा है साइंटिफिक मेथड, और वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा है सिविल वॉर से। सिविल वॉर से उसकी फिलॉसफी स्टार्ट होगी और वहां पर ये बताएगा कि स्टेट क्यों वजूद में आई, स्टेट का पर्पज क्या है, और हम कहाँ तक स्टेट को फॉलो कर सकते हैं, और नेचुरल लॉज को हम डिस्कवर कैसे कर सकते हैं। यहां तक आई होप आपकी चीजें क्लियर हैं और मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड। आई एम सेंडिंग यू लिंक अगेन, ज्वाइन मी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।